नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सालों से चर्चा हो रही है, लेकिन राजस्थान ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो वन स्टेट वन इलेक्शन प्रणाली धरातल पर उतरी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने बजट में ऐलान के बाद अब इस दिशा में गंभीरता से प्रयास शुरू कर दिया है। राजस्थान का यूडीए विभाग इस नई प्रणाली के लिए बिल का मसौदा तैयार करने में जुटा है। माना जा रहा है कि वर्तमान बजट सत्र के बाद स्पेशल सेशन बुलाकर राजस्थान में ये बिल पारित करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करता है उसे पर्यावरण सब्जेक्ट में 5 अंक ज्यादा मिलेंगे। पौधारोपण के आधार पर ही प्रमोशन तय होगा। उन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत कम से कम 50,000 पौधे लगाएगी उसको सरकार 10 लाख रुपए विकसित निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त देगी। रीट पेपर लीक पर भाजपा नेता उपेन यादव ने गोविंद सिंह डोटासरा को आड़े हाथ लिया। उपेन यादव ने रीट सीबीआई जांच पर गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कहा कि जब आपकी कांग्रेस सरकार थी, जब युवा बेरोजगार सड़क पर उतरकर रीट की सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, तब आप युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाने और जेल में डालने का काम कर रहे थे, और अब लगता है कि आपने सारे सबूत मिटाकर अब आप रीट की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हो। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे शांति धारीवाल को विधानसभा में अपशब्द बोलना महंगा पड़ गया। धारीवाल ने अपने किए पर माफी तो मांग ली, लेकिन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन में किए उनके आचरण को गंभीर मानते हुए उन्हें 2 दिन के लिए सदन की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया। स्पीकर वासुदेव देवनानी के आदेश के अनुसार कांग्रेस नेता शांति धारीवाल सदन में उपस्थित तो होंगे, लेकिन वो 2 दिन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। कोर्ट ने मंगलवार को मंथली वसूली मामले में अजमेर के तत्कालीन निलंबित एसपी राजेश मीणा सहित 14 आरोपियों को बरी कर दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 90 गवाह और 300 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई और बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। मंथली वसूली मामले में तत्कालीन अजमेर एसपी राजेश मीणा, एसपी लोकेश सोनवाल, दलाल रामदेव खटेरा और थाना प्रभारी सहित 14 आरोपी थे। कालीसिंह थर्मल पावर प्लांट के तकनीकी कर्मचारियों का टाइम बोर्ड प्रमोशन और ग्रेड पे 3,600 के ऑपरेटर सीनियर की सीटों की स्वीकृति के धरने का 17वां दिन है, लेकिन जयपुर प्रशासन की तरफ से कोई भी सकारात्मक सूचना नहीं मिली है। आज जिला मुख्यालय पर कालीसिंह थर्मल के सभी संगठन के पदाधिकारी ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद जयपुर में भी प्रशासन एक्शन में आ गया है। जयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट पर तबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। मेयर सौम्या गुर्जर खुद कार्रवाई करने सड़क पर उतरी। पहली कार्रवाई जयपुर के कोचिंग सेंटर गुरुकृपा पर हुई। कोचिंग इंस्टीट्यूट में फायर सिस्टम फेल मिले हैं। कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली मेयर शेली ओब्रॉय अपनी टीम के साथ पृथ्वी विहार में पहुंची और उन्होंने बेसमेंट में चलने वाले मेंटर इंस्टीट्यूट को सील कर दिया। इसके अलावा संस्कृत एकेडमी को भी सील कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मलिक को जमानत याचिका पर जारी सुनवाई के बाद मेडिकल आधार पर जमानत दे दी है। वायनाड भूस्खलन पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह चर्चा शुरू हुई और सभी सदस्यों ने वहां हुई भारी त्रासदी पर चिंता व्यक्त की। मैं कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ केरल की नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है और केरल में राहत कार्य के लिए हर जरूरी काम कर रही है। सरकार की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी जरूरी होगा वो पूरा किया जाएगा। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।